अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हाल डिंडोरी स्टेट के हाईवे की, जहां लैंडस्लाइड के बाद सड़क खतरनाक गड्ढे में तब्दील हो गई है। पर इसके बावजूद इस सड़क से लोगों का और यात्री बसों का आना जाना जारी है, जो सीधे हादसों को दावत दे रही है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाके टिंडोरी की हैं, और ये दर्द बयां करने वाले लोग जो इस खतरनाक रास्ते से मौत का सफर करने के लिए मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं डिंडोरी, उमरिया और शहडोल जिले को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे की, जिसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि ये सीधे मौत को चुनौती दे रहा है। स्टेट हाईवे में करीब 50 किलोमीटर तक सड़क में बड़े गड्ढे हो गए हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़क के हिस्से धराशायी हो गए, और लैंडस्लाइड वाली जगहों के पास सड़क से मिट्टी का कटाव लगातार जारी है, जहां किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये जो मेरे पीछे आप सड़क देख रहे हैं, डिंडोरी शहडोल से उमरिया जिले को जोड़ने वाली सड़क है, और इस सड़क की कितनी हालत खराब हो चुकी है, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बारिश के महीने में लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़क का जो एक हिस्सा है पूरा जमीन दोज हो गया है और मिट्टी का कटाव हो गया है। बावजूद इसी सड़क से जो है यात्रियों से भरी बस को जान जोखिम में डालकर जो है बस को यहाँ से निकाला जाता है। अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था कि बस जब यहाँ आती है तो सवारियों को पहले उतार दिया जाता है, उसके बाद जो है चालक बस को निकालता है, फिर बाद में सवारी को बस में बैठा के फिर वो अपने गंतव्य की ओर रवाना होता है। ये डिंडोरी से जो नौरोजाबाद पाली की ये दूरी है करीब 50 से 60 किलोमीटर की दूरी है। बस संचालक ने बताया कि उनको इस दूरी को तय करने में करीब 3 से 3.5 घंटे लगते हैं, और उनके जो गाड़ियों में काफ़ी नुकसान भी होता है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पे कि यहाँ से जब वाहन निकलते होंगे और उनका जब यहाँ से जाते होंगे तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पे लोक निर्माण विभाग के द्वारा, जिम्मेदार विभाग के द्वारा किसी प्रकार की यहाँ ना सूचना पटल लगाया गया है, ना ही कोई नोटिस बोर्ड लगाया गया है। और मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएँ यहाँ से कि जब वाहन यहाँ से आते होंगे, वहाँ मोड़ भी है और यहाँ पे कोई सूचना पटल नहीं लगे होने की वजह से जो बाइक चालक हैं और जो और भी जो वाहन चालक हैं यहाँ हादसे का शिकार हो सकते हैं। वहीं इस बीच मौत को चुनौती देते हुए यात्री बसों का भी आना जाना जारी है, और लोगों का इस खतरनाक सड़क से गुजरना भी, क्योंकि लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में जान हथेली पर रखकर लोग इस खतरनाक सड़क से यात्रा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही मुसाफिर हैं जो नौरोजाबाद से डिंडोरी जा रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि कौन सी रोड है और क्या हालत हो गई इस रोड की? ये डिंडोरी से शहडोल वाली रोड है, ये बहुत ख़राब स्थिति में ये रोड पहुंच चुकी है, ये कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। आप अभी कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा आपको? नौरोजाबाद से आ रहा हूँ, बिक्रमपुर तक जा रहा हूँ मैं, तो लगभग 1 घंटे का रास्ता, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और जैसे आप ये देख रहे हैं स्थिति ये रोड की यहाँ पर, तो कभी कोई बड़ी घटना हो सकती है इसमें, और जब बड़ी घटना हो जाएगी तब शासन ध्यान देती है, तो ज़रूरत है कि ये शासन ध्यान दे और इसकी व्यवस्था करे। अच्छा, देखने में ये भी आया है कि बस जो है आती है, सवारियों से भरी बस जब आती है तो सवारियों को पहले उतार दिया जाता है, फिर बस चालक बस निकालता है, फिर सवारी बैठती है उसमें, तो उसमें क्या है, सवारी खुद बोलती है उनको डर लगता है, काफ़ी डर लगता है कि कुछ घटना ना हो जाए, इसलिए वो पहले उतार देते हैं, वो खुद उतर जाते हैं, वो तो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजबूरी है उनको, रास्ता ही नहीं यहाँ से जाने के लिए, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। और कोई दूसरे रास्ते भी हैं तो कितना लंबा पड़ता है? वो काफ़ी दूर पड़ जाता है, मतलब 50 किलोमीटर का अंतर पड़े, फिर सयापरा से घूम के जाना पड़ता है, काफ़ी लंबा, खर्चा भी ज़्यादा है, तो वहाँ से नहीं जाते लोग, यहीं से ही जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, बस से आना जाना सब कुछ होता है। अगर ये नहीं हो तो एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है, कभी भी हो सकती है, क्योंकि रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। अच्छा, अभी यहाँ तो देखने में आ रहा है कि ये पूरा लैंडस्लाइड के कारण धसक गया है, और आगे क्या स्थिति? आगे भी बहुत ख़राब है, अभी तो बारिश नहीं हो रही है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, जब बारिश हो जाएगी तो रोड में गड्ढे जो हैं वो भी नहीं दिखेंगे, तो कभी भी घटना हो सकती है, बहुत बड़ी घटना हो सकती है। यहीं से देख लीजिए कि दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ से कोई भी गाड़ी वाला बोर्ड वगैरह कुछ बोर्ड भी नहीं है, कोई गाड़ी वाला आएगा रात में और दिक्कत हो सकती है। टीम जो बता रहे थे कि इस रोड में आवागमन जो है अभी भी जारी है, और रोड की हालत जो है वो है बेहद खस्ता हो चुकी है, रोड के जो परखच्चे उड़ चुके हैं, बावजूद जो है जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सब कुछ जानकर भी
अनजान बने हुए हैं। कुछ हमारे साथ इस वक्त मुसाफिर भी हैं, उनसे हम जानते हैं। जी सर, ये इसको जल्दी बनवाइए, हमारा आना जाना बहुत मतलब लेट हो जाता है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं है, नहीं है, बहुत घूम के पड़ता है। यहाँ से सहपुरा जाएंगे, सहपुरा डिंडोरी शहडोल की रोड बनना चाहिए, बस बात का खत्म। कितना खराब रास्ता, कितना डर बहुत, ये तो देखते आदमी धड़धड़ा जाता है पूरा शरीर, धड़कन चालू हो जाता है। क्या नाम है आपका? गंगाबाई नायक। आप बताइए कैसी सड़क की हालत? बहुत खराब हालत है सर, इधर जल्दी बनवा दो रोड, अगर ये एक बार बारिश होगा ना तो ये रोड तो पूरे खत्म हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। जब यहाँ से बस निकलती है तो डर लगता है? हाँ, बहुत डर लगती है, बहुत डर लगती है। उसके बाद भी जाना पड़ता है तो क्या करें, मजबूरी है, जा रहे हैं, जाने आना है तो क्या करें, पैदल भी नहीं जा सकते हैं। नेता, नाम गीता सिंह है, ध्यान नहीं दे रहे हैं अधिकारी। गीता सिंह है मेरा नाम, इधर से हमारे बच्चे भी हैं, रहते हैं, तो यही रास्ता है, हम लोग जाते हैं बस से, कहाँ से जाएं, रहते हैं बच्चे लोग सब, लेट हो जाते हैं। नेता और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो देते, कोई दे नहीं है, सब कोई बोलते हैं कि नहीं रोड खराब है, कब से है, अगले साल से हुआ है ये, पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वही बस संचालक ने बताया कि स्टेट हाईवे में करीब 50 किलोमीटर तक सड़क का नामो निशान तक नहीं है, सड़क के नाम पर बड़े बड़े गड्ढे और खाई है, जहां सवारियों से भरी बस को निकालने में काफी जोखिम होता है, थोड़ी सी चूक होने पर हादसे की संभावना हर वक्त बनी रहती है। ये कौन सी रोड है और क्या हालत है, कितना टाइम लगता है आप लोगों को? ये डिंडोरी शहडोल मार्ग सर, एक घंटा लेट हम लोग रोज हो जाते हैं, शाहपुर डिपो से यहाँ चगेरा तक पूरा ऐसे इसी तरह खराब है, रोज सवारी उतारते हैं, कुदा कुदा के जाते हैं, माने हालत खराब, हम लोग अति परेशान हैं। आज 15 दिन से स्थिति बनी हुई है। ये जो रोड है कितने जिलों को जोड़ने वाली सड़क है, कौन कौन से जिले से जोड़ते हैं? इसे तो बहुत जिले जुड़ते हैं, उमरिया और डिंडौरी जिला तो बॉर्डर ही है, उधर शहडोल जुड़ जाता है, फिर इधर तो पूरा जबलपुर मंडला वहाँ तक नागपुर तक रोडें जाती हैं, ये इसमें स्टेट हाईवे में आता है, दो नेशनल हाईवे को जोड़ती है ये, एक इधर कटनी से जुमला वाली, एक इधर अपना जबलपुर अमरकंटक, दोनों को जोड़ चलती, ट्रैफिक बहुत है, लेकिन सब परेशान रहते हैं, छोटी गाड़ी वाले देखिए आ रहे हैं, क्या पोजीशन इनका बन रहा है। कितने किलोमीटर ये पूरा है और कितना टाइम लगता है आप लोगों को जाने में? ये हम लोगों को लगभग ये 35-40 किलोमीटर खराब रोड है, और टाइम तो 2 घंटे लग जाता है, 2-2.5 घंटे लग जाता है, माने 1 घंटा लेट हम लोग हो जाते हैं पूरा। अब यहाँ से जा रहे हैं, हमारा 1240 शहडोल से नंबर है, बड़े मुश्किल में हम 1240 पहुँचे हैं, इसलिए भाग रहे हैं कि जल्दी से कम कुछ मिले न मिले, सवारी बैठे न बैठे, नंबर वापस लेके आ जाएँ। गाड़ी का टूट फूट होता होगा खूब? रोज होता है सर, माने नए नए टायरों में हर दो दो तीन तीन टायरों में गिट्टी लगती है, और कुछ गिट्टी लगती है, कमानी पट्टा टूटते हैं बस। तो देखने में आ रहा है कि जगह जगह खाई हो गया है, पर आप लोग कैसे यहाँ से बस निकालते हैं? क्या मजबूरी है सर, क्या करें सर, पब्लिक भी रहती है, सिंगल रोड की गाड़ी है और कोई गाड़ियाँ नहीं है, साइड से दबा दबा के धीरे धीरे किसी तरह निकालते हैं, और पब्लिक भी यही परेशान, उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, उनको भी मजबूरी में जाना है, ये तो देख रहे हैं, डायरेक्ट देख लो तक घूम के उसी में गिर जाएंगे अंदर, जानलेवा साबित हो सकता है। हाई है सर जी, अगर कहीं रात बिरात कोई आए तो पता नहीं चलेगा कि क्या पोजीशन बन गई है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विभाग को स्टेट हाईवे में हादसे की संभावनाओं वाले स्थानों को चिन्हित करके वहां नोटिस बोर्ड लगाना चाहिए और गड्ढों को भर देना चाहिए ताकि हादसों से बचा जा सके, लेकिन MPRDC विभाग और जिले के जिम्मेदार अधिकारी ऐसा लग रहा है कि अनजान बने बैठे हैं। डिंडोरी से विजय तिवारी की रिपोर्ट के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।